नमस्कार दोस्तों, गीता ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे सुबह नाश्ते में, तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आलू के पराठे। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो ये देखिए आलू के पराठे गर्मा गर्म सर्दी के मौसम में स्वादिष्ट एकदम। तो किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर ठोक लेना, ठीक है। तो इधर देखिए मैं इसलिए ही बना लेती हूँ, और सरसों के तेल में सेंक रही हूँ क्योंकि बटर में खाने हैं। तो सरसों का तेल जो है ना पराठे पे बहुत ज़्यादा लगा रहता तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं इस तरीके की लोई बना के और उसमें लगा लेती हूँ, तो उसमें तेल कम हो जाता है और पराठा जो ना अच्छा रहता है। तो देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है पराठा, और इस तरीके से ऐसे कर देंगे ना तो थोड़ा चिट्ठा चिट्ठा अच्छा सा पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो इसी तरीके से पराठे बनाते जाएंगे और बच्चों को देते जाएंगे गर्मा गर्म, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। इधर सारे पराठे ऐसे बनाते जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा फट गया था तो मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा आटा लगा के उस तरीके से बंद कर दिया है, और बच्चे खाते जाएंगे उनको गरम गरम देते जाएंगे। तो किस किस को आलू के पराठे पसंद हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और मुझे तो सच में बहुत पसंद है और अच्छे लगते हैं खाने में।
आप लोगों में से किस किसको पसंद है। तो इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ। तो इस तरीके से बेलने में क्या है ना कि आलू पराठा जो ना पतला भी हो जाता है और ऊपर से मतलब फटता भी नहीं है। तो ये देखो मैंने सेंक दिया है आलू का पराठा, और धीरे धीरे करके मतलब बन गए थे मेरे आलू पराठे और सबने खा लिए थे, मैंने भी खा लिए थे। तो इधर मैंने मक्खन निकाल के रखा था, उसको निकाल लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखो घी वगैरह बना देती हूँ मक्खन का, तो वही निकाल के रखा था मैंने। कौन कौन घर में मक्खन बनाता है मेरी सिस्टर बताइएगा मुझे, और मैं तो घर में ही बनाती हूँ। और ये देखो मट्ठा है, इसको मतलब ऐसे निकाल लिया है मैंने, और क्या बोलते हैं मक्खन अलग कर दिया है, मट्ठे को अलग कर दिया है। और इसकी चाहो तो कढ़ी बना लो, और चाहो तो मतलब इसको जो है बूंदी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने उसको भी उतार लिया है और रख दिया है मैंने मक्खन को गर्म होने। तो ये इधर घी बनेगा, और बर्तन मैं तब तक लगा देती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ एक साथ में, जल्दी से पूरा फिनिश कर देती हूँ काम को। तो स्टार्ट कर देती हूँ धीरे धीरे, मतलब सारी सफाई करनी किचन की। तो इधर ये बर्तन जो ना ऊपर लगा देती हूँ, और उसके बाद में जो धोऊंगी वो पटिया पे लगा दूंगी। तो यही है हमारी आज की दुनिया, जिसमें मैं खुश रहती हूँ और व्यस्त रहती हूँ। और मेरा वीडियो किस किस को पसंद आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें अब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो इधर मैं बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, काम ख़त्म, और फिर नहा धो के मिलूँगी और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर दूँगी फटाक से। और शॉल ओढ़ के काम करना बनता नहीं था, तो मैंने कहा चलो शॉल को अच्छे से ले लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि ठंडी भी लगती है, साल उतार देते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और बीच बीच में ना मैं मक्खन जो रखा था उसको भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि फिर मक्खन जो ना वो घी चल जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो इधर मैंने बर्तन पूरे साफ़ कर लिए थे, बर्तन साफ़ करते टाइम ही दिखाई थी, वीडियो पोस्ट कर दी थी। और इधर हमारा घी भी बन गया है पूरा अच्छे से, तो आप लोग देख लीजिए मेरा, मैंने गैस भी बंद कर दी, मेरा घी भी अच्छा बन गया, लगभग उतने में एक पाव से ज़्यादा घी निकला हुआ है। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, अब मिलती हूँ मैं नहा धो के पूरा काम ख़त्म करके, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी। तो चलती हूँ अब नहाने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ काम ख़त्म करके पूरा अच्छे से। और कैसे हैं आप लोग? कैसी लग रही हूँ? लाल लिपस्टिक, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, और
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक हमारा वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं, वीडियो हो जाएगा बड़ा और फिर वीडियो में अपलोड करने में दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच।